बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। फर्स्ट पेमेंट मिल चुकी है हमें 945 की, तो कह रहा था हमारी सेकंड पेमेंट भी हो चुकी है यहाँ से आशीर्वाद भैया के वहाँ से। थर्ड पेमेंट भी मिल चुकी है हमें, देखो हाँ देखो क्या हर कोई अपना पेमेंट दे, थैंक यू भाभी। तो गाइस लास्ट पेमेंट भी मिल चुके हैं, थैंक यू हरी भाई। हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस दरअसल हम हमारी जो है वाटर एजेंसी भी है यहाँ, तो इसलिए आज हम इसको सेल करने के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर हमें मिल चुका है 25 पेटियों का कोसी में, और वहाँ देखते हैं किस तरह से आज रिस्पॉन्स बनता है पानी का। तो गाइस चल देते हैं फिर अब सफर की ओर को अपने, अब लगा चलो चलो सर। गुरु जी आए तो बोल दो। तो गुरु जी आप, तो गाइस आप लोगों ने इनको GITM में देखा होगा, वहाँ के सबसे हेड यही है। तो अब एडमिशन भी खुलने वाले कुछ टाइम में, जहाँ पर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो आज मैंने सर से थोड़ा सा हेल्प ली है, तो सर को अपने घर जाना था, तो इसी मैंने सोचा क्यों ना गुरु जी की आज गाड़ी में हम अपनी जो वाटर बोटल है, पीछे देख रहे होंगे पूरा वाटर बोटल भरी करीब 25 पेटियां हैं, तो गुरुजी के उसमें आज हम ले जा रहे हैं कोसी को। तो गाइस अब हम पहुंचने वाले हैं करबला की ओर को। हाँ हाँ भैया हम पहुंचने वाले हैं, बस यहाँ पर आगे करबला आ गए हैं। ठीक है तो गाइस बहुत हो गया, फोन में फोन आने लग गए हैं कि जल्दी आओ, तो उनको बताना भी जरूरी है ना। अगर आप कुछ अच्छा काम शुरू कर रहे हो, अभी हमने धीरे धीरे एजेंसी का काम शुरू करा है पानी का, तो कुछ टाइम बाद आई होप अच्छा ही होगा, अल्मोड़े में नाम हो जाएगा, सब पहचानने लग जाते हैं ना अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा वर्क कर रहे हो। क्योंकि पानी ऐसी चीज है, हर घर में कुछ भी शुभ कार्य होता है पानी की बोतल ही चाहिए आजकल हर किसी को। कुछ भी आपके फंक्शन हो रहे हैं, स्कूल कॉलेज में पार्टियां होती हैं, फ्रेशर फेयरवेल पार्टियां होती हैं, पॉलिटिशियन पार्टी होती है, बहुत सी पार्टियां होती हैं वहाँ जो कि वाटर की डिमांड बहुत होती है। तो तब मैंने थोड़ा सा दिमाग लाया क्यों ना वाटर एजेंसी का काम कर लें। तो गाइस आप लोग की सबकी सपोर्ट की हमें खासकर जरूरत है, कुछ भी आपका घर में कुछ भी काम होगा, अच्छे काम होंगे तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस मी, तो हमें कॉन्टेक्ट कीजिए और आपको सही टाइम पर हम अच्छा वाटर बेली वाटर पहुंचा देंगे आपके घर में। पहली दुकान में भी हमारी वाटर की बोतल दिख रही है बेली वाटर। गाइस आपको जितनी भी शॉप दिख रही है सब में अपना ही पानी आने वाला, कुछ टाइम रुक जाओ आप बस। तो गाइस ये पवा आपने देखा चाट वाले फेमस वाले ये तक वाटर मांग रहे हैं हमारा। तो गाइस अभी एक और आने वाला है, जस्ट भैया आने वाले हैं, उनको भी ले चलना है हमने कोसी को। इसमें एक तो सामान बहुत है, अभी देखते हैं एडजस्ट मैं कहाँ पर होता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ मैं पीछे ही बैठूंगा, दिख नहीं रहा है आया कि नहीं आया वो लड़का। तो गाइस अभी हमारे संग आने वाला था, उसका फोन ही नहीं लग रहा है। अब क्या होगा अभी देखते हैं, अगर मिल जाता तो ठीक है ना गुरुजी और हम चल देते। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मीश्वर में, परी मंदिर भी है देखो, एक काफी खूबसूरत सा मंदिर है और ये यहाँ की एक पहचान बताता है लोगों को कि हम यहाँ पर ही खड़े। एक एक करके आपको बताते हुए भी चलता हूँ मैं, कभी आप आओगे अल्मोड़ा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मानना पड़ेगा, आजकल देख लो सभी लोग बीच में ना चलान वाला ब्लॉग बनाया था उसको देख के सभी लोग अब सीरियस हो चुके हैं, सभी लोग बाइक में और स्कूटी में अपना हेलमेट फॉलो कर रहेगी। और यह धार की तूनी वाला रोड और कोसी को अगर हमें जाना है तो यहाँ से हमने लेफ्ट ले लेना है, देख लीजिए। आपको बता दो अल्मोड़ा की खास बात, हर चौराहे में आपको मंदिर देखने को मिलेगा। देखो अभी यहाँ लक्ष्मीश्वर में दिखाया था, अब धार की तूनी वाले चौराहे का आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर भी आपको मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि एक कहते हैं ना जहाँ पर अगर आप खड़े होके सीधे बताते तो सिग्नल देते तो कि यार मैम इस यहाँ पर खड़े गाइस। यहाँ से देखो हमारे अल्मोड़ा का क्या खूबसूरत सा व्यू आता है, ये देखो बहुत बड़ा अल्मोड़ा है। तो अभी मैं आपको सिर्फ 20% ही दिखा रहा हूँ, अगर आप उस साइड से जाओगे ना धारन वाले रोड से तो आपको और ज्यादा बड़ा दिखेगा, पूरा गोल में हमारा अल्मोड़ा शहर। थोड़ा सा रुक जाते हैं यहाँ पर, लंबा सफर तो है नहीं, थोड़ा सा कमी है यहाँ पर। थोड़ा सा हम कुछ स्नैक्स ले लेते हैं यहाँ पर भैया, वो समोसे कर देना आप पैक कर दो और कोल्ड ड्रिंक दे दो छोटी वाली। 15-25 मिनट लगेंगे पता करते हैं गुरु जी, वो कह रहे 10-15 मिनट लगेंगे यार, तो बात कर लो आप। ना ना कुछ और फिर और क्या यही तरह है, चलो छोड़ो फिर है? ना इतने टाइम में तो हम पहुंच जाएंगे। ठीक है आ गए, इतने टाइम में हम पहुंच जाएंगे दूसरी कोसी में कर लेंगे। ठीक है कोसी में बैठेंगे थोड़ा, कोई नहीं गाइस सॉरी यहाँ पर से अब टाइम ज्यादा कर रहे ना, इतना टाइम थोड़ी है, 15 मिनट यहाँ से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे हम कोसी। गाइस अगर समोसे मिल जाते ना और अच्छा लगता है, और लेकिन वहाँ थोड़ा लेट हो जाती है ना, इतने लेट के लिए हम थोड़ी रुकते। कहते हैं टाइम इज मनी, डोंट वेस्ट योर टाइम कहते हैं ना, हम वहाँ पर खाली हम रुके रहते 15 मिनट। अभी बहुत है यहाँ समोसे की शॉप,
पूरा अल्मोड़ा हमारा चाय पानी समोसा ए टू जेड मिलता है यहाँ। हम यहाँ पर पहुंच गए हैं बाईपास वाले, और ये जो याला रोड है ना, ये रोड जाता है हमारा बेस होते हुए सीधे लुधिया को निकलता है। हमने जाना है कोसी को, तो हम यहाँ को फॉलो करेंगे अपने को। बस आप हर जगह से देखोगे, बैकग्राउंड देख लीजिए, काफी अच्छा लगता है हमारा अल्मोड़ा शहर। तो गाइस आपको दिखा दूं, हमारे अल्मोड़ा शहर में ज्यादातर चीड़ के जंगल ज्यादा मिलेंगे आपको। देखो हर गली में हर जगह में आपको बोतलें भी बीच बीच में गिरते रह रही हैं। ऐसी लगाई थी मैंने, देखो ऐसा हो गया बोतल, कोई ऊपर से गिर गई, कोई कुछ गिर गया है। तो गाइस आप देख रहे होंगे यह अपना सैलीदार गाँव, ये देखो। तो गाइस गुरुजी जैसा भला इंसान हमें नहीं मिल सकता, देखो वरना 25 पेटी कोई वो कहता है मेरी गाड़ी में कहाँ रख रहा है भाई, तू 25 5 रख दूंगा, 2 रख दूंगा, 3 रख दूंगा। इन्होंने सीधा फर्स्ट दिन ही हमारी 25 पेटियां रख दी हैं। तो गाइस इसी रोड में मेरा स्कूल भी है, देखो सेंट्रल स्कूल भी आ चुका है, जो कि कोसी रोड में ही है। देखो यही मैंने पढ़ा था फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक, ये अपना केवी केंद्रीय विद्यालय अल्मोड़ा, और यहाँ पर ही हमारी बस रुकती थी स्कूल की, जो कि वो दिन भी काफी अच्छे दिन थे। आप जितने भी यूथ हो सभी से कहूंगा आप अपने स्कूल वाले दिन को भी काफी ज्यादा एंजॉय कीजिए, एक एक मोमेंट को एंजॉय कीजिए, और साथ में पढ़ाई भी कीजिए मन लगाकर। बस आपको दिख रहा है जो टॉप दिख रहा हुआ है कैसार देवी, देखो यहाँ से लोकेशन देखिए आप, काफी ज्यादा खूबसूरत सी लोकेशन, और हर जगह आपको प्रकृति ने जो अपने रंग रूप हर जगह बिखेरे हुए हैं, पहाड़ का अलग ही आनंद है। यहाँ क्या सोचा माइक की जरूरत नहीं होती यहाँ, क्योंकि वॉइस आपकी इतनी क्लियर आती है ना। 2-3 किलोमीटर बचा है कोसी, आज आपको मैं कोसी भी दिखाता हूँ। आपने बहुतों के ब्लॉग में तो देखे होंगे, बट जो आज का ब्लॉग है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आज अब आने वाला है कोसी, आता है तो गाइस फटाफट डिलीवर करते हैं अपना सामान, फिर हम भी सीधा अल्मोड़े को चल देंगे। तो गाइस आ चुका है कोसी, कोसी में उठ जाते हैं, अब यहाँ पर ही डिलीवरी करते हैं हम। कितनों की बोतल है देख लेते हैं ना। तो गाइस ये रहा, देखो मैं पहुंच चुका हूं कोसी, और सभी को हमने आप पहुंचाना, पूरे कोसी में बेली वाटर ही पिलाना है सभी को। तो गाइस 5 हमने रख दिए यहाँ पर, अब बच्चे हमारे पास 20 पेटियां उपाध्याय जी के वहाँ, ठीक है अंकल है हमने दे दिया, अब दूसरी जगह जाते हैं। तो गाइस यहाँ पता कर लेते अंकल, उसका बेली वाटर बोला था ना आपने, 7 पेटी दिनेश ठीक है, 7 पेटी हमने यहाँ भी उतार दी है, जोशी जी भोजनालय जो कि कोसी के, ठीक है। फर्स्ट पेमेंट मिल चुकी है हमें 945 की, अभी 4-5 दुकान से और कलेक्शन करना है हमने। तो गाइस अभी तक हमारी 12 पेटियां बिक चुकी हैं, 5 वहाँ भेजी थी उपाध्याय, 7 जोशी जी के वहाँ। आप यहाँ पर जाते हैं आशीर्वाद भैया के, भैया 5 पेटी का ऑर्डर था ना, ये हाँ पहली वाटर ठीक है मैं ला रहा हूँ। तो गाइस 5 पेटी हमने आशीर्वाद जो है कोसी में उनकी शॉप में रख दिया 5 पेटी। तो गाइस हमारी सेकंड पेमेंट भी हो चुकी है यहाँ से आशीर्वाद भैया के वहाँ से, अभी बहुत थैंक यू भैया। एक पेटी का ऑर्डर हमारा यहाँ भी था जोशी जी के वहाँ, जय गोलू के नाम से विख्यात है हमारे कोसी में, एक इनको भी दे दी, हो गया। थर्ड पेमेंट भी मिल चुकी है हमें, देखो आज बिल्कुल कोई ना कहा सब जगह दे दे रहे हैं, ठीक है जो जी, ठीक है सर चलो। अरे यार आगे तुमने दाल रख दी, आजकल वैसी बात चल रहा है, पीछे बैठता हूँ। तो गाइस घर से मैं लाया था 25 पेटी यानी 25 पेटियां लाया था पानी की, अब हमारे पास करीबन बची हैं 12 पेटियां बची हैं। मैम पेटी मंगाई थी आपने पानी की, 2 पेटी है। बहकी सभी जुबां है हम है। तो गए 2 पेटी हमने यहीं पहुंचा दी, एक वहां पहुंचा दी हमने, तो आज हमारा काम बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। आज देखो गए हर कोई अपना पेमेंट दे, थैंक यू भाभी। गाइस लास्ट हमारा हनी भाई की शॉप में मिला है, देखो 4 पेटी हनी भाई की शॉप में भी रख दी हमने, ये भी कोशिश अब आता है तो ऐसे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है 4 रख दिया हमने हनी भाई। तो गाइस लास्ट पेमेंट भी मिल चुके हैं, थैंक यू हनी भाई, ओके नेक्स्ट चाहिए बताना पानी, ओके। तो गाइस हम पूरी डिलीवरी कर आ चुके हैं अपने पानी वाटर बोतल की, तो जिस गाड़ी में आया था गुरुजी के थे वो चले गए अपने घर को, अब यहाँ से भैया नेक्स्ट से उनकी गाड़ी में हम जा रहे हैं अल्मोड़ा की ओर को।
तो गैस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने घर की एरिया में। तो गैस आज का व्लॉग मेरा मार्केटिंग में था। अगर आपको पसंद आई हो मार्केटिंग, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और पुराने हो तो शेयर कर देना गैस जाते आते। थैंक यू सो मच।